कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको अर्धवार्षिक सिलेबस कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें बता रहा हूँ कि संधि, पहला प्रश्न जो हमारा होता है संधि प्रकरण का, संधि प्रकरण प्लस अव्यय परिचय। अब इसमें पहला है संधि प्रकरण प्लस अव्यय परिचय, 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो उसमें मैंने कुछ अधिक प्रश्न दिए हैं, इस प्रकार के आएंगे, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे भानोदय अस्मिन पदे क संधि अस्ति, तो दीर्घ स्वर संधि। अगर पूछ लेते हैं कि भानोदय अस्मिन पदे क संधि विच्छेद अस्ति, तो भानुधन उदय, या भानुधन उदय प्लस संधि शब्द का, तो भानुदय, इस प्रकार से हमें पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पूरा याद कर सकते हैं, भानुदय भानुधन उदय दीर्घ स्वर संधि, विद्यालय विद्याधन आलय दीर्घ स्वर संधि, जगत जगदीश जगत धन ईश व्यंजन संधि, सदैव सदा धन एव वृद्धि स्वर संधि, सदाचार सत धन आचार व्यंजन संधि, मनोहर मनोह धन हर विसर्ग संधि, नमस्ते नमः धन ते विसर्ग संधि, इसमें भी मनोरथ मनोरथ मनोह धन रथ विसर्ग संधि, जहाँ मनोरथ और मनोहर ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो ओ की मात्रा हटकर विसर्ग बिंदु लग जाता है ना, और विसर्ग संधि रहती है। फिर नमस्ते में ये जो श है ये श हट जाता है और इसके बीच में विसर्ग बिंदु लग जाती है, वो शब्द दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो नमः धनते ये भी विसर्ग संधि। ठीक है, सदाचार द का त हो जाता है, सदाचार सदाचार, इसमें सदाचार में व्यंजन संधि है वैसे सतधनाचार, लेकिन यह शब्द क्या आ रहा है अव्यय के लिए, सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन वाक्य अव्यय अस्ति, क्योंकि 1 2 3 4 इसमें अव्यय क्या है, तो एव शब्द है इसमें अव्यय है, विद्या माता इव गच्छति तो इसमें इव शब्द अव्यय है। ठीक है, राम अद्य विद्यालयम गच्छति तो इसमें अद्य जो है ये अव्यय है। ठीक है, इस प्रकार से और भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको याद करना होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछते हैं, समास प्रकरण प्लस उपसर्ग, समास और उपसर्ग के प्रश्न पूछेंगे। पित्रो माता च पिता च, इसमें द्वंद समास है, अब इसको किसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि पित्रो अस्मिन शब्द क समास अस्ति तो द्वंद समास, पित्रो अस्मिन शब्द का समास विग्रह अस्ति तो माता च पिता च। ठीक है, माता च पिता च अस्मिन शब्द सामासिक शब्द का, तो पित्रो माता च पिता च अस्मिन शब्द का समास अस्ति द्वंद समास, अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं, तो हमें इस ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, चोर भयम चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष समास है इसमें, पीताम्बरम पीतम अम्बरम यशस्य विष्णु इसमें मतलब बहुव्रीहि समास है, ग्राम गतः ग्रामम गत द्वितीय तत्पुरुष समास है, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास है, ये प्रति शब्द अव्ययी है ना, और ये ग्राम गत गांव को गया द्वितीय द्वितीय विभक्ति में विभक्त हुआ है, द्वितीय तत्पुरुष समास, प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास, महापुरुष महान चाशो पुरुष कर्मधारय समास। अब जो पहला शब्द है महा और पुरुष, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, यानी महान चाशो पुरुष और वह महापुरुष कर्मधारय समास, पंचवटी पंचानाम, अब इसमें यहाँ पर हमने पंचवटी लिख दिया लेकिन समास विग्रह करके बता दिया, वो पंच पंच पात्राणाम का बता दिया, सॉरी है ना माफ करना, तो इसमें पंचवटी पंचानाम पात्राणाम समास, और ये पंचवटी का हो जाएगा पंचानाम वटानाम समास। ठीक है, ये समास का नाम वो ये दीर्घ समास। ठीक है, परोपकार परेशान उपकार षष्ठी तत्पुरुष समास, परोपकार में षष्ठी विभक्ति में विभक्त हुआ है तो षष्ठी तत्पुरुष समास, अधिगम्य, अब अधिगम्य इत्यस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा तो अधि उपसर्ग है इसमें। ठीक है, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग होगा तो प्र उपसर्ग है, अनुसरण में अनु उपसर्ग है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 भी है समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है, धातु प्रकरण पूछते हैं, धातु लकार वचन पुरुष ऐसा पूछते हैं, धातु रूपाणी धातु लकार पुरुष वचन, द्रक्ष्यति में कौन सी धातु है, दृश धातु है, लकार कौन सा है लट लकार है, प्रथम पुरुष है एक वचनम है, पठामी में पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम, अपश्यन में दृश धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, हशामी में हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम, पठानी में पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम, गच्छानी में गच्छ या गम गम मुख्य धातु है तो गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। ठीक है, भवतः में भू भव लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, एक वचनम नहीं है सॉरी, यहाँ पर यह द्विवचनम, ये गलती से गलत लिख दिया है तो इसमें आपको सुधारना है। ठीक है, भवतः जहाँ ती तह अंति, ती आता वहाँ पर एक वचन, तह आता वहाँ पर द्विवचन, और अंति आता वहाँ बहुवचन, तो भवतः भू धातु में लट लकार प्रथम पुरुष यहाँ द्विवचन है, ये गलत है ध्यान रखना। गच्छयु गम धातु विधिन लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन, इसमें बहुवचन में पचस्य ने पकाना, पच धातु है लट लकार मध्यम पुरुष, यह शी आता वहाँ पर मध्यम पुरुष, सी थ थ मध्यम पुरुष एक वचन में से, द्रक्ष्यतः जहाँ तह आता है द्विवचन, तो दृश्य धातु दृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष
द्विवचनम। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दो यहाँ पर समाप्त, तीन प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक चार, इसमें क्या पूछा गया है, प्रत्यय परिचय। ठीक है, प्रत्यय युक्त पदानि धातु और प्रत्यय याचमान, याच धातु है इसमें, याच च धातु, च पहलंत सानच प्रत्यय है, पठितु में पठ धातु तुमुन प्रत्यय है, अजा में अज धातु नहीं है, ये शब्द हैं, ये धातु रूपाणी में से कुछ शब्द भी दिए हैं तो शब्द हैं, अज इन्हें बकरा, टाप प्रत्यय लग गया तो अजा बकरी बन गया, बालिका, बालिका में बालक धन टाप बराबर बालिका हो गया, आगम्य आधन गम धन लेप, इसमें आ में उपसर्ग हैं, ठीक है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, ले प्रत्यय है, पठितवान पठधन कत्वतु, क्रीडित्वा क्रीड़ धातु, क्रीड़ धातु है, क्रीड क्रीड है खेलना, कत्व प्रत्यय है, पठन जहाँ पठन वदन लिखन हसन चलन ऐसा अन अन आता है या अत पठत वदत लिखत चलत उसमें कत प्रत्यय होता है, तो पठधन सत्री प्रत्यय है, सॉरी सत्री प्रत्यय है, पठन वदन लिखन चलन पढ़ते हुए करते हुए, पढ़ते हुए वदन इन्हें बोलते हुए, लिखन लिखते हुए, चलन इन्हें चलत चलते हुए, है ना, तो पठन लिखन वदन हसन इस प्रकार के हैं, तो इसमें पठन में पठ धातु हैं सप्तरी प्रत्यय हैं, गत्वा में गम धातु गत्वा प्रत्यय हैं, पठिता वदिता लिखिता चलिता इस प्रकार शब्द आता है तो उसमें कत प्रत्यय होता है, पठ धातु कत प्रत्यय। और प्रश्न क्रमांक जो है चार समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक पाँच, अब इसमें देखना, प्रश्न क्रमांक पाँच में क्या, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यते, दिए गए शब्द जैसे चक्रम में वारिधरे भूतानि निर्णानि अनिल वारिधरे प्राणे, ठीक है, वारिधरे दो बार दे दिया है ना, पुरातन कालादेव सूर्यदेव सज्जन दुर्जन आदित्य, ठीक है, तो इसमें पहला शब्द है परोपकार करोति, तो कौन करता है परोपकार, सज्जन, ठीक है, क्षमा शस्त्र करे यश किम रिक्त स्थान किम करिष्यति दुर्जन, जिसके हाथ में क्षमा वाला शस्त्र हो दुर्जन उसका क्या करेगा, दानेन रिक्त स्थान वशी भवन्ति भूतानि, एकमेव परब्रह्म अद्वितीय है, पर अद्वितीय आ जाएगा, ठीक है, फिर नगरिया स्थित विद्यते पुरातन कालादेव, नगरी जो की स्थिति पुराने समय से है, प्रकाशम प्रक्षेति, प्रकाश कौन देता है, तो सूर्यदेव, प्रकटितो सुरेंद्र कौन है, वारिधर है, बादलों से कौन खेल रहा है, मतलब सुरेंद्र किससे खेल रहा है, तो बादलों से, परोपकार कर्तव्य प्राणे कंठर गतिरूपी, तो ये प्राणे आ जाएगा इसमें, इस प्रकार ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक सिक्स छः, प्रश्न क्रमांक छः समझना आप, एक वाक्य प्रश्न उत्तर, जना कदा शिष्टा भवंती, कब शिष्ट होते हैं, तो कदा की जगह आपको लिखना है पर्व उपदेश वेलाया, छत्रशाला से कश्य शिष्य आसित, स्वामी प्राणनाथस्य, कश्य की जगह स्वामी प्राणनाथस्य, तो छत्रशाल स्वामी प्राणनाथस्य शिष्य आसित, देवता कुत्र रमन्ते, यत्र नारिस्त पूजयन्ते रमन्ते, यत्र नारिस्त पूजयन्ते तत्र देवता रमन्ते, क जीवनोपि मृत एव, यः स्वार्थ मात्र चिन्तयति स तु जीवनोपि मृत, का मृत्योपि जीवति, यह समाज हितम चिंतित स मृत्योपि जीवति, यानी जो समाज के हित के लिए जीता है वो मर कर भी जीता है, मरा हुआ भी जीता है समाज में, भारतीय केशा वंशजा संति, भारत के लोग किसके वंशज हैं, तो वशिष्ठा याज्ञवल्य गौतम अत्रि वंशजा, ठीक है, तो भारतीय भारतीय हो जाएगा वशिष्ठ याज्ञवल्य गौतम अत्रि वंशजा, संस्कृत भाषा कश्य पोषण करोति, विश्व बंधु तस्य, सर्व प्राचीन भाषा का अस्ति संस्कृत भाषा, का की जगह संस्कृत भाषा, घटोत्कच अंत्य किम कथ्यति, अहो सौजन वात्सल्यम इति घटोत्कच अंत्य कथ्यति, किम फटा देना है, संत कानि घनन्ति, संत संत पापम तापम देनी च घनन्ति, वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्ष का आधारभूत भूमाता है, तो वृक्षस्य आधारभूता भूमाता, विदिशा नगरी कश्मीर प्रदेशे स्थिता विद्यते, तो विदिशा नगरी कश्मीर की जगह आपको लिखना मध्य प्रदेशे स्थिता, ठीक है, गुरुणाम छत्रशाल केन उपाधिना उद्भूषित, तो महाराज, गुरुणाम छत्रशाल महाराज इति उपाधिना उद्भूषित, कश्य अपरम नाम भागीरथी, किसका दूसरा नाम भागीरथी है, कश्य अपरम नाम भागीरथी, तो गंगाया, कश्य की जगह आपको गंगाया लिखना, कृषि बले का समेधिता भवंतु, तो कृषि बले का की जगह आपको लिखना है धान्य वृद्धय, कृषि के बल के द्वारा धान की वृद्धि होती है, अनाज की वृद्धि होती है। क्वेश्चन क्रमांक सेवन, अधोलिखित इस शब्दों शब्द रूपाणी लिखा था, नीचे लिखे जो शब्द हैं इनके शब्द रूपाणी लिखना है, तो ये तो आपको पुस्तक में देखना है कि राम की सारी विभक्ति याद करना है, साधु की सारी विभक्ति करना है, कवि की सारी, अस्मत और युष्मत, अस्मत मतलब त्वम युवाम, त्वम युवाम युयम, है ना, अहम अहम अवाम वयम, ऐसे शब्द रूपाणी चलते हैं, तो ये शब्द रूपाणी आपको याद करना है। अब प्रश्न क्रमांक सात तक यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, अगले वीडियो में मैं आठ से आगे के प्रश्न समझाऊंगा गद्यांश पद्यांश। जय हिंद जय भारत इति श्री।